आज हम घर पर पोहा बनाना सीखेंगे। लिए ये चूरा लिया है और बारीक कटा टमाटर, प्याज और धनिया, हरी मिर्च और ये थोड़ा सा मूंगफली का कच्चा दाना है। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हम गैस पर कढ़ाई रखकर गैस को ऑन कर देंगे। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे जीरा। जीरा को ब्राउन होने तक भूनें। आप देख सकते हैं ये हमारा जीरा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज गर्म हो चुका है, पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चा। हम इसमें डाल देंगे मूंगफली का दाना। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। थोड़ी देर तक भूनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया। हम इन सबको मिक्स करके अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसमें ऐड करने वाले चूरे को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। पाँच मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। उसके बाद हमारा पोहा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऊपर से धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। ये हमारा पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गैस को ऑन ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पोहा बनकर तैयार है। पोहा बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरह पोहे को बना सकते हैं। हम इसको सर्व करेंगे आपको।